नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है कर्व्स। बच्चे का हैंड अच्छे तरीके से फ्री हो चुका है। अब हम बनाना सिखाएंगे बी। बी के लिए हमको सिर्फ टू डॉट्स देने हैं। बी के लिए फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन। अब यहाँ से थोड़ा सा लाइन कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ 1 2 3। थ्री लाइन्स आर देयर। फर्स्ट कर्व इज फर्स्ट टू लाइन में कर्व बनाएंगे, द सेकेंड कर्व इज सेकेंड एंड थर्ड लाइन में कर्व बनाएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ लग रहा है तो मैं यहाँ पे एक और बताऊँगी कि आप उसको थ्री डॉट्स को, टू डॉट्स मैंने बताया था जो बिगनिंग में, उसको आप थ्री डॉट्स कर दीजिए। थ्री डॉट्स करेंगे तो ईजी रहेगा कि उसको यहाँ से यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है, कर्व करना है, फिर इस डॉट से इस डॉट में करना है। डॉट से डॉट उसको ज्वाइन करने में इजी होगा। अल्फ़ाबेट बी इज़ कंप्लीटेड। देन अल्फ़ाबेट फॉर द अल्फ़ाबेट सी, ओनली टू कर्व्स, सी इज कंप्लीटेड, टू डॉट्स। अगर सी का वो प्रॉपर कर्व नहीं बना पा रहा है तब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे सकती हूँ दूसरा, कि दो डॉट के साथ में यहाँ पे एक आप उसको हल्का सा एक डॉट यहाँ भी दे दें ताकि इसको मिलाते हुए वो ऐसे कर्व बनाए। समझ रहे हैं आप? मैंने यहाँ पे डॉट इसलिए दिया कि सी का जो प्रॉपर तरीके से शेप बनाना वो इस जॉइंट को, इस डॉट को कवर करते हुए वो सी का प्रॉपर कर्व उनका शेप दे सकें, बना सकें। सेम उसके सेम एज इट इज़, जब सी बनाना जब बच्चे सीख जाते हैं देन डी उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। सेम जो सी रहता है हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि सी का जस्ट उल्टा डी बनता है। जी एंड देन वन स्टैंडिंग लाइन, या तो आप इसमें स्टैंडिंग लाइन का कॉन्सेप्ट पहले दे सकते हैं देन कर्व। अल्फ़ाबेट डी इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड। देन जी, जी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ रहता है कर्व के साथ में, थोड़ा सा स्टैंडिंग स्लीपिंग है यहाँ पे। तो इसके लिए भी मैं ऐसे इस टाइप के डॉट्स को यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं दो स्टैंडिंग लाइन के लिए हैं, लेकिन मैंने एक पहला डॉट है उसको पिंक लाइन पे दिया है, दूसरा मैंने सेकेंड लाइन पे दिया है। यहाँ पे आप डॉट्स देख सकते हैं इसको कैसे करवाना है। जी हो गया। देन उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर अपवर्ड देख रहे हैं आप, अपवर्ड। देन जॉइन दिस टू डॉट्स देन दिस टू डॉट्स। जी बच्चा इजीली बनाना सीख जाएगा जी, जब उसने दो कर्व जी के जैसे जो कर्व है उसने पहले ही सी में डी में बनाना सीख लिया है। जी बनाना ज़्यादा टफ नहीं होता है, उसके लिए आपको सिर्फ इस प्रकार के डॉट्स हैं देने हैं। पहले उसे ज्वाइन करेगा देन दिस लाइक दिस, जी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा उसका। जी बनाना भी वो इजीली सीख जाएगा। मैं आपको फिर से बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि प्लीज़ अगर आप डॉट्स देते हैं तो डॉट्स प्रॉपर तरीके से दीजिए ताकि उनके जो फंड्स हैं वो प्रॉपर बने, उनके हैंडराइटिंग भी सुंदर बने और धीरे धीरे आपको जो डॉट्स देने का कॉन्सेप्ट है उसको भी कुछ दिनों के बाद उसको हटा दीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अल्फ़ाबेट, दैट इज़ जे। जे इज़ ऑल्सो वेरी इजी। आपको पहले इस तरीके का कॉन्सेप्ट देना है, वी का ही कॉन्सेप्ट जाएगा इसमें भी। जे देन फ्रॉम द मिडल टी देन स्मॉल कर्व यहाँ से बनाना सीखेंगे, स्मॉल छोटा सा कर्व। अगर ये कॉन्सेप्ट में भी बच्चा नहीं बना पा रहा है तो आप इसमें जो आपने फर्स्ट टू डॉट्स दिए थे उसको फर्स्ट थ्री डॉट्स दे सकते हैं। थ्री डॉट्स कर दीजिए उसे। थ्री डॉट्स करने के बाद में ज्वाइन करें, फिर इसके बीच में जो हम एक डॉट देंगे उससे वो डी का शेप ले लेगा और एक यहाँ पे आप उसको एक एक्स्ट्रा एक डॉट दे दें ताकि ये कर्व उसका वहाँ पे जाके टच करे। यहाँ पे एक डॉट एक्स्ट्रा दे सकते हैं तो वो जे का जो प्रॉपर कर्व है जे वो बनाना सीख जाएगा। तो अल्फ़ाबेट जे इज़ कम्प्लीटेड। नाउ नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ पी, इज़ ऑल्सो वेरी इजी। पी जो है वो बी अल्फ़ाबेट का हाफ, दैट इज़ पी।
उसके लिए सिर्फ स्टैंडिंग लाइन देना है। स्टैंडिंग लाइन के लिए का जो कॉन्सेप्ट है लाइन का, ज्वाइन देन हाफ, जो कर्व रहता है वो, जैसे देखो बी में अगर मैं इसे हटा दूँ दैट इज पी, इसीलिए मैंने उसको हाफ बी बोला। ठीक है, जैसे हम बच्चों को कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि आपने बी बनाना सीख लिए, बी में आपने दो कर्व लगाए, ऊपर वाला कर्व लगाएंगे पी बनाने के लिए, नीचे वाला कर्व नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से ट्रिक से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। सो अल्फाबेट पी इज ऑल्सो कम्प्लीटेड, दिस टाइप ऑफ डॉट्स यू हैव टू गिव सिंपल। क्यू मैं भी आपको बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट दैट इज आर अल्फ़ाबेट, आर के लिए भी जब बच्चा पी बनाना सीख लेता है देन आर उसके लिए कुछ नहीं है, सिंपल उसको हम पी बनाना अब सीधा बता स्किप करके बोलेंगे। आप पी बनाइए, पहले पी बना लिया बच्चे ने ऐसे पी, सिंपल एक यहाँ पे एक डॉट देके उसको सीधा बोलेंगे यहाँ से, इजीली बच्चा रिकॉग्नाइज कर लेगा इसको, ये जगह से इस जगह पे उसको ज्वाइन करना, सिंपल। आर इज ऑल्सो कंप्लीटेड लाइक दिस, पी देन स्लैंटिंग लाइन, स्मॉल स्लैंटिंग लाइन, आर इज ऑल्सो कंप्लीटेड। उसके बाद है नेक्स्ट दैट इज एस, एस जो है लगभग जो रहता है फाइव, द नंबर फाइव से मिलता जुलता होता थोड़ा सा एस। सो एस बनाने के लिए, एस के लिए भी कोई ज़्यादा ये नहीं है, सबसे पहले उसके लिए भी मैं दो ही डॉट्स बताऊंगी। सबसे पहले एस, एस बनाने के लिए एक छोटा सा ट्रिक आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं कि जो सी रहता है, सी हम बताते हैं दिस कर्व एंड दिस कर्व बनाना हम सिखाते हैं बच्चों को सी, और ये कर्व आप सिखा भी चुके हैं बच्चों को। इसमें आप देंगे थ्री लाइन्स, सॉरी थ्री डॉट्स एस बनाने के लिए, हाउ मेनी, वन टू थ्री डॉट्स देंगे आपको। बच्चों को बताना है कि पहले आप इसको सी सीधा बनाना है, छोटा सा सी बनाना है वो भी सीधा, उसके बाद यही दोनों डॉट को ज्वाइन करके आपको सी उल्टा बनाना है, एस इज कम्प्लीटेड। हो गया, स्मॉल छोटे से ट्रिक से एस भी कम्प्लीट हो गया, सी का कॉन्सेप्ट दे के हमने एस भी से सिखा दिया बच्चों को। एस के बाद के लिए मैं फिर से बता रही हूँ, गिव ओनली थ्री डॉट्स, छोटा सा सी, छोटा सा कर्व बना लिए, बच्चा सी तो जानता ही बनाना, फिर सी एक उल्टा सी बना लिया, एस कम्प्लीटेड। बहुत ईजी तरीके से बच्चा एस भी सीख गया। नेक्स्ट इज अवर अल्फाबेट डेट इज यू, यू के लिए थोड़ा सा फुली कर्व ज़रूरी होता है, वी का ही कॉन्सेप्ट जाएगा, वी का ही इसमें डॉट जाएगा, सिंपल लाइक दिस, सिंपल कर्व, इसमें बच्चों का फुल हैंड फ्री हो जाएगा, इतना सारा कर्व बनाना बच्चा सीख लिया, बी सी डी जी में बनाना सीख लिया। यू नेक्स्ट इज यू, नहीं अगर आपको इसमें भी डायरेक्ट प्रॉब्लम जा रही है देन मैं एक और यहाँ डॉट्स के हेल्प से एक और चीज़ बता सकती हूँ। डॉट्स दीजिए बच्चों को यू के लिए, और ध्यान से देखिए कि मैंने डॉट्स कहाँ पे दिए हैं। पहले दो डॉट्स पिंक लाइन पे दिए हैं, फिर जो मिडिल लाइन है सेकेंड लाइन है जो, उसके नीचे थोड़ा सा डॉट्स मैंने दिया, उसके नीचे थोड़ा सा डॉट्स, बच्चे को बताएंगे कि ये दोनों डॉट्स को ज्वाइन करें, बच्चे ने ज्वाइन कर लिया। अब हल्का सा यहाँ पे जो है कर्व बनाएंगे, ऐसा कर्व जो ये लाइन के नीचे ना जाए, हल्का सा कर्व बनाना सिखाएंगे। ये हो गया यू, अल्फ़ाबेट यू इज़ कम्प्लीटेड। देन अब हमारे पास टोटली ऑलमोस्ट ऑल द अल्फ़ाबेट्स कम्प्लीट हो चुके हैं, हमारे पास सिर्फ बचा है क्यू एंड ओ, जो कि मैंने कर्व के बारे में बताया था कि जहाँ बच्चा कर्व बनाना सीख लेता है देन इट इज़ वेरी इजी टू मेक अ सर्कल फॉर हिर फॉर हर और फॉर हिम। सो दो कर्व्स को जॉइंट करके हम सर्कल बनाते हैं, देन अब मैं क्यू पे बनाऊंगी। क्यू मैंने इसे के लिए सिंपल डॉट बनानी, अब इस अब तक जितने अल्फ़ाबेट्स मैंने जो कर्व्स के बताए हैं टोटली आई एम श्योर दैट बच्चे का जो है कर्व बनाने का जो हैंड्स के लिए जो हैंड्स है काफ़ी फ्री हो चुका होगा। अब इसमें आपको कर्व बनाना सिखाना है सी, देन अगेन उल्टा सी, हो गया सर्कल कंप्लीटेड, देन एक स्मॉल लिटिल टेल,
क्यू इज ऑल्सो कम्प्लीटेड. क्यू अल्फाबेट इज क्यू. सिंपली उसके लिए आपको टू ही डॉट्स देने हैं, एक सीधा से एक उल्टा से. बन के मिल गया एक सर्कल. टू कर्व्स मेक्स अ सर्कल, बना दिया. देन स्मॉल टेल. स्मॉल टेल बनाएंगे, या तो इसको हम क्यू की पूंछ भी बोलते हैं. बच्चे काफ़ी तरीके से इंजॉय करके इसको बनाना सीखेंगे. क्यू इज कम्प्लीटेड, जहाँ क्यू कम्प्लीट हुआ देन ओ इज ऑल्सो वेरी इजी. सिंपल दो कर्व्स को ज्वाइन करके ओ बन गया, लाइक दिस. ओके, सो यहाँ पे हमारे कर्व्स के जो अल्फाबेट्स थे, अल्फाबेट्स बी सी डी जी जे पी क्यू आर एस यू ओ, सारे अल्फाबेट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं. कर्व्स वाले, स्लैंटिंग लाइंस वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है. यहाँ पे स्लीपिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस के जो अल्फ़ाबेट्स हैं ई एफ एच आई एल टी, अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट हो चुके हैं. ऑलमोस्ट 26 अल्फ़ाबेट्स आपके बच्चे ने सीख लिया है यहाँ पे विद द यूजिंग विद द हेल्प ऑफ स्लीपिंग, स्लैंटिंग कर्व, सर्कल एंड स्टैंडिंग लाइन. तो आप देख सकते हैं कि कितना बेनिफिशियल है हमें कि अल्फ़ाबेट्स को सिखाने से पहले हम स्लीपिंग, स्लैंटिंग कर्व, सर्कल, स्टैंडिंग लाइन का कॉन्सेप्ट अगर हम दें अपने बच्चों को, तो हमारे लिए कितना ईजी हो जाता है बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाना. फिर से मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि प्लीज़ अगर आप जब डॉट्स देते हैं, विदाउट डॉट्स सिखाने की कोशिश ना करें. डॉट्स के हेल्प से हम बच्चों को सिखा सकते हैं. डॉट्स दें तो प्लीज़ प्रॉपर डॉट्स दें उनको, ताकि उनकी जो फंड्स हैं वो प्रॉपर बने. और आफ्टर 10 to 15 डेज के प्रैक्टिस के बाद में आप उस डॉट्स को देना बंद करें. हो सकता है कि अप्रोप्रिएट अल्फ़ाबेट वो ना लिखे बच्चे, क्योंकि डॉट्स उनके लिए काफ़ी ईजी होते हैं, बट विदाउट डॉट्स लिखना थोड़ा सा टफ होता है. बट नीड नॉट टू बी वरी अबाउट दैट, बच्चा सीख जाएगा. सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा. अल्फ़ाबेट्स आपके लिए अब सिखाना अपने बच्चों को काफ़ी ईजी हो गया होगा. आई होप कि आप इस ट्रिक्स को फॉलो करेंगे.